ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुधदेव 13 दिसंबर 2023 से वक्री होने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 13 दिसंबर 2023 की दोपहर 12:01 पर बुधदेव धनु राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं, और 2 जनवरी 2024 तक बृहस्पति की राशि में बुधदेव वक्री रहने वाले हैं। इसका सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, बकरी बुध आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता दे सकते हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, ननिहाल पक्ष, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर बुध का ही प्रभाव होता है। बुध को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना जाता है और 27 नक्षत्रों में आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व भी बुध को ही प्राप्त है। किसी भी जातक की कुंडली पर बुधदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हो, अधिक उम्र होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति की उम्र कम दिखाई देती है। बुध बलवान हो तो जातक चालाक, तर्कसंगत और बौद्धिक रूप से अपनी बातों को कहने में धनी होता है, यानी ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाबी भी होता है। अपनी बातों के द्वारा सबका मन मोह लेने के लिए जाना जाता है। बलि बुध का प्रभाव जातक को शेयर मार्केट में वाणी से जुड़े हुए कार्य में सफलता देता है। कारोबार के क्षेत्र में सफलता मिलती है। बुध के बलि होने पर जातक एंकरिंग, लेखन, पत्रकारिता, कथावाचन, इन सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता अर्जित करता है। वहीं बुध के अशुभ प्रभाव से समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जन्म कुंडली पर बुध अगर पापी ग्रहों के साथ मौजूद हो, अपने विचारों को सही से बोलकर पेश नहीं कर पाने की स्थितियां होती है। बुध पीड़ित हो तो जातक दिमागी रूप से कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति को नसों में पीड़ा, बहरापन, तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या, शरीर में अत्यधिक पसीना आना, ये सभी समस्याएं होती है। बुध अगर पीड़ित होते हैं तो जीवन में आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, बुधदेव आपके पराक्रम भाव और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके नवम भाव में बुधदेव वक्री होने वाले हैं। कुंडली के नवम भाव पर सूर्य देव भी मौजूद होकर गोचर करेंगे। ऐसे में आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर बुधादित्य योग भी बनने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का यह परिवर्तन कई प्रकार की सकारात्मकता आपको प्रदान करने वाला है। इस परिवर्तन से जो जातक वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन में जुड़कर काम कर रहे हैं, बुध जनित क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं, लेखन, पत्रकारिता, वकालत, जज के क्षेत्रों में एंकरिंग करते हैं, वाणिज्य से जुड़ा हुआ, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय में छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने की योजना भी आपके जीवन में बन सकती है।
धार्मिक क्रियाकलापों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। आपका जुड़ाव धार्मिक माहौल के प्रति काफी ज्यादा रहने वाला है। बुध वक्री होंगे तो कार्य व्यवसाय के सिलसिले में लंबी यात्राओं के अवसर भी आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ बुधदेव आपकी राशि के लिए आपके रोग भाव के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भोज पदार्थों का सोच विचार कर ही सेवन करना चाहिए। तले भुने भोज पदार्थों से आपको दूर रहना है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको संलग्न नहीं होना है जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में बुध वक्री होकर डालने वाले हैं। उपाय की जानकारी दिया जाए, बुध जनित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। बुध जनित शुभता को अर्जित करने के लिए प्रतिदिन बुध का बीज मंत्र 108 बार जप करें, ओम बुम बुधाय नमः, तो आपके जीवन में काफी बेहतर स्थिति मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 का अंतिम महीना आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।